नमस्कार। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है समुद्र मंथन। जैसे हम इस शब्द को बोलते हैं तो हमारे मन में दो तीन प्रश्न आते हैं कि समुद्र मंथन की क्या कथा है, ये क्यों हुआ था, किन्होंने किया था और इससे क्या प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ समुद्र मंथन करने से, और आज के समय में इस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि वो घटनाएं जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुई थी उनका जिक्र करने से क्या फायदा, आज के समय में क्या वो हमारे जीवन से प्रासंगिक है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहती हूं। देखिए, कबीर दास के दोहे आप सभी ने पढ़े होंगे। कबीर दास का कोई भी आप दोहा ले लीजिए, हालांकि उनका जन्म हुआ था 1349 के आसपास, उस समय का उनका लिखा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक दोहा है उनका कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। क्या ये दुआ हमें ये नहीं सिखाता कि हमारे अंदर कंटेंटमेंट होना चाहिए। अगर ये फीलिंग है हम सभी के अंदर, समस्त प्राणियों में, समस्त संसार के लोगों में, तो क्या किसी जेल में कोई कैदी होता, क्या अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ होती, हम बहुत सुख शांति से रहते, राम राज्य की तरह संसार चल रहा होता। तो इसी प्रकार से इन पौराणिक कथाओं के बीच जो रहस्य छुपे हैं वो आज भी हमारी विचारधारा को बदलते हैं, हमें एक सीख देते हैं। तो आइए आप इस कथा पर आते हैं। हम भली भांति परिचित हैं कि भारतवर्ष में तीन प्रमुख समुद्र हैं, एक है बंगाल की खाड़ी, एक है अरब सागर और एक है हिंद महासागर। कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन हिंद महासागर में हुआ था, जिसे शीर सागर भी कहा जाता था। किन के बीच में हुआ? देवताओं और असुरों के बीच में हुआ, दोनों ने मिलकर किया। अब हर काम के होने का कोई ना कोई कारण होता है, तो समुद्र मंथन का क्या कारण था? पहले के जो ऋषि मुनि थे वो इतने तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, तपस्या से, नियमों से, योग से वो अपने शरीर को इतना पवित्र कर चुके होते थे कि उनकी वाणी में जो भी वो कहते थे वो सत्य हुआ करता था। यदि वो वरदान देते तो वो वरदान फलीभूत होता, और यदि वो श्राप दे दिया करते थे तो वो श्राप भी उस व्यक्ति विशेष को लग जाता था। उसका कोई फिर तरीका नहीं था समस्या का। तो ऐसे ही एक बार देवराज इंद्र बैठे थे, उनसे मिलने दुर्वासा ऋषि आते हैं, ऐसा इस कथा में कहा जाता है। दुर्वासा ऋषि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। जब वो आए तो जैसे सब कोई, जब कोई किसी के घर जाता है तो कुछ ना कुछ हाथ में भेंट स्वरूप प्रेम से लेकर जाता है, अच्छा लगता है। दुर्वासा ऋषि के ने एक पारिजात पुष्प की बहुत सुंदर सी माला ली और उसको लेकर वो गए। कहते हैं कि पारिजात पुष्प बिल्कुल श्वेत रंग का होता है और इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। वो बड़े मन से गए कि मैं इस पुष्प के हार को लेके जाऊंगा तो इंद्र बहुत खुश होंगे इसे देखकर। लेकिन इंद्र जो थे उनको बड़ा अहंकार था, उनका तो बड़ा भारी राज्य था, बहुत उनके पास धन संपत्ति और ऐश्वर्य था। इंद्र ने जब देखा कि दुर्वासा ऋषि मिलने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे लिए क्या भेंट लाए हैं, मेरे लिए इस हार का क्या महत्व, मैं तो ऐसे कई हार ले सकता हूं। ऋषि लोग अंदर की बात भी समझ लिया करते थे। उन्होंने, देव इंद्र ने उस हार को हाथी के गले में पहना दिया। दुर्वासा ऋषि को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर देवराज इंद्र से कहा कि इंद्र, जिस रिद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य के कारण तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया है कि तुमने मेरे उस हार को हाथी के गले में पहना दिया, वो अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और मैं तुम्हें कह के जाता हूं कि तुम्हारे ही पास नहीं, समस्त देवलोक अब ऐश्वर्यहीन हो जाएगा। अब तो देवराज इंद्र जो थे वो कांप गए कि अब क्या होगा, इनके कहे वचन तो सत्य ही होंगे। समस्त देवताओं ने, कहते हैं, मिलकर आपस में सभा की। वो मेरु पर्वत पर गए और वहां बैठकर सबने सलाह की कि भाई अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से कैसे मुक्ति हो। तो सबने आपस में विचार विमर्श किया, जैसे हम करते हैं जब कोई समस्या आती है तो हम अपने परिवार से, बंधु बांधवों से, मित्रों से, गुरुओं से सलाह लेते हैं। तो वो भी सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि श्राप से मुक्ति पाना बहुत कठिन है, लेकिन हाँ एक उपाय है। देवताओं ने पूछा कि प्रभु बताइए क्या उपाय है। उन्होंने कहा यदि आप असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे तो उस मंथन के बाद अमृत प्राप्त होगा। देखिए समुद्र जो है ना वो मात्र एक
अतः जल की राशि ही नहीं है, समुद्र के भीतर बहुत कुछ छिपा है जो मंथन के बाद बाहर आता है। बिल्कुल जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है संसार में वो है मनुष्य, मैंने मनुष्य शरीर में बहुत कुछ दिया है, यदि व्यक्ति चाहे मंथन करके प्रयास करके मेहनत से बहुत तेजस्वी बन सकता है, ओजस्वी बन सकता है, बड़े से बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से समुद्र का यदि मंथन आप करोगे तो समुद्र मंथन के बाद अमृत मिलेगा और उस अमृत को पीकर आप पुनः वैसी ही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे और आप अमर हो जाएंगे। इसलिए देवता लोग अमर हैं। सभी देवता लोगों को बहुत शांति मिली कि चलो समस्या का कोई समाधान तो हुआ। फिर ये प्रश्न हुआ कि भाई इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे किया जाएगा, कोई छोटा सा तो है नहीं जिसका मंथन आसानी से हो जाएगा, कैसे करेंगे। फिर वो भगवान विष्णु के पास सलाह लेने पहुंचे कि भाई प्रभु ये भी बता दीजिए कि इसका मंथन हम कैसे करें। फिर प्रभु भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि देखो ऐसे मंदराचल पर्वत है, उस पर्वत को उखाड़ो, उसको लाकर मथानी बनाकर समुद्र पे रखो और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, उससे आप और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करो। देवता जो थे वो गए समुद्र को, उस पहाड़ को काटने के लिए। कहते हैं मंदराचल पर्वत बहुत विशाल था, उसकी जो चोटियां थी वो ऊपर बादलों तक पहुंची हुई थी, इतना विशाल पर्वत था। और जितना वो ऊपर था उतना ही वो धरती के अंदर भी था। बहुत दिनों तक वो उसको काटते रहे लेकिन पर्वत वो काटने में देवतागण असमर्थ रहे। असुरों को भी साथ लगाया लेकिन वो भी मिलकर भी असमर्थ रहे। वो पुनः आए, फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे कहा कि ऐसा है, इस पर्वत को काटना इतना सरल नहीं है, तुम जाओ शेषनाग से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। जब वो अपने कुल और वंश के साथ, वन और वनस्पति के साथ आएंगे तब जाकर ये पर्वत जो है तुम सबके सहयोग से कटेगा। ऐसा ही हुआ, वो गए, उन्होंने शेषनाग से प्रार्थना की। पहले तो शेषनाग कहते हैं उन्होंने मना करा लेकिन किंतु अंत में उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर उन सब ने मिलकर फिर उस पर्वत को काटा, उस पर्वत को वो समुद्र में लाए। अब प्रश्न ये हुआ था कितने देवता हों और कितने असुर इसको पकड़ेंगे। हाँ, उसके बाद वो वासुकी नाग के पास गए, वासुकी नाग से भी प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम इस प्रकार से शाप युक्त हो गए हैं, हमें समुद्र का मंथन करना है, मंथन करने के लिए रस्सी की जगह आपसे बढ़कर और कौन होगा। कहते हैं बहुत प्रार्थना करने के बाद वासुकी नाग भी ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वो भी समुद्र में उनके सहायता के लिए पहुंचे। अब प्रश्न ये हुआ कि भाई कितने असुर होंगे या एक तरफ और एक तरफ कितने देवतागण होंगे। तो कहते हैं 54 देवता और 54 असुर आए। अगर आप 54 54 यानी 54 54 को जोड़ते हैं तो वो नंबर बनता है 108। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से 9 अंक हमारे पुराणों के हिसाब से या ज्योतिष आचार्यों के हिसाब से एक अच्छा नंबर माना जाता है, उसी प्रकार से 108 का भी एक अपना अलग ही महत्व है। आपने देखा होगा जो जपने की माला होती है उसमें भी 108 मन के होते हैं कि अगर आप 108 बार भगवान का नाम जपते हैं तो वो बहुत फल देता है। और योग शास्त्र बताता है कि हमारे शरीर के अंदर 108 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके दबाने से हमारी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह जो है वो अच्छा हो जाता है। मतलब किसी किसी बौद्ध मंदिर में भी 108 सीढ़ियां होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि 108 अंक शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ओर 54 54 राक्षस और देवता आए। अब प्रश्न ये हुआ कि भाई कौन नाक के मुख की तरफ आए और कौन नाक की पूंछ की तरफ आए। जिस प्रकार से रस्सी पकड़ते हैं तो एक सिरा पकड़ता है और एक दूसरा सिरा पकड़ता है। तो जो राक्षस थे उनका तो इस समय आधिपत्य था, देवताओं का सारा रिद्धि सिद्धि समाप्त हो चुका था, देवलोक बिल्कुल श्रीहीन हो गया था। तो राक्षसों से कहा कि आप नाक के मुख का हिस्सा पकड़ लीजिए, हम पूंछ का पकड़ेंगे। तो राक्षसों ने कहा कि नहीं, पहली बात हमने आपकी मानी, हम चाहते भी नहीं है कि समुद्र मंथन करें, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अमृत तो आपको चाहिए ना, फिर भी हमने आपकी बात स्वीकार की। लेकिन अब दूसरी बात आपको हमारी माननी पड़ेगी, हम कदापि मुख की ओर नहीं खड़े होंगे, हम तो सर्प की पूंछ की तरफ रहेंगे। देवताओं ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। कहते हैं नारद मुनि ने जब ये देखा कि देवता संकट में है,
हर एक के वो संकट मोचन होते हैं, आपको पता ही है। नारद मुनि देवलोक से कब पाताल लोक आ जाए, कब देवलोक चले जाए, सबकी खैर खबर रखते हैं वो। नारद मुनि ने कहा कि मैं इनकी समस्या में जाकर हस्तक्षेप करता हूं तो शायद मेरी बात बन जाए, इनकी बात बन जाए। वो आए, उन्होंने असुरों को बहुत समझाया कि देवता लोग ठीक ही कह रहे हैं, आप मान जाइए। असुर नहीं माने। नारद मुनि ने सोचा कि कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। उन्होंने असुरों से कहा, असुरों के राजा थे बलि, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए आपका इस समय आधिपत्य है, आप इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आप बड़े हैं, आपको बात मान लेनी चाहिए। फिर भी बाली ने नहीं माना। तो नारद मुनि ने कहा कि अच्छा बताइए, मनुष्य शरीर में ऊपर का हिस्सा जहां मुख और सिर होता है वो बड़ा होता है या पांव का हिस्सा बड़ा होता है? तो असुरों ने कहा कि स्वाभाविक है, मुख का हिस्सा बड़ा होगा, पांव का हिस्सा क्यों बड़ा माना जाएगा। बस नारद मुनि ने कहा कि यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप बड़े हैं इस समय, देवता तो बिल्कुल श्रीहीन हो चुके हैं, ये तो घबराए हुए हैं, आप बड़े हैं, आप मुख की ओर रहिए। कहते हैं दानवों को उनकी बात समझ आ गई और वो मुख की ओर आ गए। इस प्रकार से फिर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। पहले तो मंथन जब शुरू करा, बहुत दिनों तक करते रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं वो फिर देवता लोगों ने फिर से भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी से कहा कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी समुद्र का मंथन नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं निकल पा रहा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा मैं आपको अतिरिक्त बल देता हूं क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है। फिर उन्होंने कृपा करके देवताओं को भी अतिरिक्त बल दिया और उसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब इस समुद्र मंथन में से वो कौन सी 14 वस्तुएं निकली, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, जुड़े रहिएगा, नमस्कार।